हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं मृत्युंजय एंड आप देख रहे हैं मृत्युंजय ब्लॉग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे। मैं है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। और यहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेरी और कोई भी आपका इशू हो तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं सबका आंसर करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लुब्रिकेंट का ही टॉपिक है, लुब्रिकेंट बिजनेस से रिलेटेड ही टॉपिक है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत सी अच्छी चीजें कि आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं, तो और प्रोडक्ट की रेंज क्या क्या होती है जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन कमा सकते हैं। तो जैसा कि आज अपने पास बोर्ड भी बड़ा है थोड़ा, क्योंकि वो बोर्ड बहुत छोटा था तो उसमें सारी चीजें जो है लिख नहीं पाता था, इसलिए मैंने ये बड़ा बोर्ड लगवाया है और आई होप इसमें मैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझा पाऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं और आप ट्रेडिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जो प्रॉपर एरिया उनको मिले उस एरिया के वो किंग हो, उनके अलावा और किसी के पास उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर आप बड़ी कंपनियों के कैसे बन सकते हैं और कैसे आप बिजनेस को स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हाउ टू स्टार्ट अ लुब्रिकेंट बिजनेस, और इन शॉर्ट कि आप एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला इसका क्या प्रोसेस है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अब मान लीजिए आपके पास कैपिटल नहीं है, 3-4 लाख रुपए आपके पास नहीं है, ठीक है, और लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी इनकम करें, तो उस केस में आप इसको कैसे स्टार्ट करें। अगर आपके पास अमाउंट मान लीजिए 1-2 लाख रुपए है तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन इतने रुपए में नहीं ले सकते हैं। अब अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है जो जैसे कि मैं पहुंचा हूं वहां तक, तो वो मैं कैसे पहुंचा हूं उसका प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 ही लाख रुपए है, तो मैं मानता हूं आपके पास 1 लाख रुपीज है। अब 1 लाख रुपए आपके पास है और आप कैसे बिजनेस करें कि आपका ये 1 लाख रुपए बढ़ के 2 लाख हो जाए और 3 लाख हो जाए, ये बढ़े कैसे ये अमाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वेबसाइट है उसका नाम है इंडिया मार्ट, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप लुब्रिकेंट बिजनेस या 40 इंजन ऑयल कंपनियों के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी कंपनियां आपको शो होंगी। अब जो बेसिकली आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है वो करनी है सूरत, इन शॉर्ट कहूं तो गुजरात स्टेट, और यहाँ पे आपको और कंपनी जो सर्च करनी है वो करनी है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र भी आप कंपनी की सर्च करें यहाँ पे, और जयपुर यानी कि राजस्थान, ठीक है। अब ये 3 स्टेट हो गए यहाँ पे, ये 3 स्टेट हैं और इनकी कंपनियां आप वहां से देखिए। अब कैसे प्रोसेस ये शुरू होगा, जब आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे यहाँ पे लुब्रिकेंट बिजनेस के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको, और एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली की कंपनियों के साथ लुब्रिकेंट बिजनेस स्पेशली 40 इंजन ऑयल बिजनेस ना करें, वहां पे आपको लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे जब आपने मान लीजिए कोई भी एक मिड रेंज का अच्छा ब्रांड आपने सेलेक्ट किया या कोई भी एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करी, तो आप उस कंपनी में बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे जाएंगे इंडिया मार्ट पे तो यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई होती है कंपनी की, तो आप डायरेक्ट उस कंपनी के नंबर पे फोन करेंगे तो वो कंपनी के हेड ऑफिस में जाएगा, वहां से जो भी बंदा उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो फोन आपका पिक करेगा। उसके बाद आप उससे इंक्वायरी करें इंजन ऑयल वगैरह की कि क्या रेट है, कितने में हमको पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं खत्म करता हूँ, अब आगे का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उनकी लिस्ट मंगाएंगे अपने व्हाट्सएप पे, और उनके प्रोडक्ट की लिस्ट, उनकी जो डीपी है उसकी लिस्ट, और आपको क्या रेट में वो प्रोडक्ट देने वाले हैं उसकी लिस्ट आप मंगाइए। अगर उस एरिया में किसी और के पास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो आपको इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, आपको वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे,
आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपसे वो आपका आधार मांगेंगे, जीएसटी मांगेंगे या पैन कार्ड होगा तो वो मांगेंगे। उसके बेस पे वो आपको चेक करेंगे कि आपकी शॉप है या क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक हैं या नहीं है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, उनको अपना बिजनेस करना होता है तो वो भी सोचते हैं कि कहीं से उनका कोई जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर बने और उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है उनका, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या देखना है, प्रोडक्ट की जो डिजाइन है, उसके बाद क्या प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं 40 इंजन ऑयल का या मोटरसाइकिल के ऑयल का, तो वो डिजाइन क्या अट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिव आप कैसे पता करेंगे, अट्रैक्टिव ऐसे पता करेंगे, आपने कैस्ट्रॉल में देखा होगा, कैस्ट्रॉल मोटुल, ये दो कंपनी में आपने देखा होगा इनका एक्टिव ऑयल, और यहां पे 3000 सीरीज का इनका 40 ऑयल। इन दो कंपनी की बहुत ज्यादा कॉपी हो रही है मार्केट में। तब तो छोटी कंपनियां जो मिड रेंज की कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि बिल्कुल सेम इसी की तरह डिजाइन पैक अपने करती हैं, जो 900 ml होता है और 1 लीटर के पैकेट होते हैं, तो उनकी ऐसी ही डिजाइन करते हैं, बट उनमें थोड़ा सा अलग कुछ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिव कैस्ट्रॉल का ऐसा एक्टिव लिखा होता है, तो कुछ कंपनियां कर देती हैं उसको आगे एक अलग अलग तरीके से लिख देती है, मतलब सेम प्रोडक्ट वो उस पर डिजाइन वगैरह सेम वही करती हैं। अब ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलते हैं, क्योंकि भाई कैस्ट्रॉल में क्या है, ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन नहीं होता है। आगे जो रिटेलर होता है या जो मैकेनिक होता है उसको मुश्किल से मुश्किल 20, 30 या 40 रुपए तक का प्रॉफिट आता है, इंक्लूडिंग कूपन, जो उसमें इनसाइड कूपन होता है। पर इन कंपनी में क्या होता है, जो सस्ती ब्रांड होती है इसमें मैकेनिक को कम से कम 100 रुपीज प्रॉफिट आता है। तो सीधी सी बात है, जहां पे भी जिसको भी ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उसी चीज पे मूव हो जाएगा। तो ये होता है तरीका। तो अगर आपने सारी चीजें यहाँ पे डिजाइन वगैरह देख लिया है, तो अब आप उनसे जो है रेट को लेके डिस्कस करेंगे कि आपका रेट क्या है 900 ml और 1 लीटर का। तो वो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने 180 रुपए का 1 लीटर आपको बताया, ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ पे इंक्लूडिंग 18% जीएसटी उन्होंने आपको ये रेट कोट किया। अब ये 180 रुपए का पैक हो गया, इस पे 18% जीएसटी लग गई, तो ये इसका प्राइस जो भी होगा, वट एवर, मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको एकदम से बता पाऊं, जो भी प्राइस होगा, कंपनी, हर कंपनी का अलग प्राइस होता है अपना। तो आपने कहा चलिए ठीक है, आप रेट में कुछ कम करिए, तो कंपनी आपसे कहेगी कि भाई आप कितना प्रोडक्ट लेंगे, कितना लेंगे। तो पहले आप उनसे रेट को लेकर डिस्कस करिए। अगर मान लीजिए वो 180 से 170 पे आ गया, ठीक है, तो आप बोलिए कि ठीक है, स्टार्टिंग में मैं ज्यादा आपका नहीं मंगाऊंगा, सबसे पहले मैं आपके प्रोडक्ट को चेक करूंगा। तो या तो आप उनसे एक सैंपल ले सकते हैं कि आप मुझे सैंपल भेजिए, और उस सैंपल को आप अपनी ही ओन बाइक, जो भी आप चलाते हैं उस बाइक में आप यूज करके देखें। अगर उसका सर्विस इंटरवल 2000, 1500, 2000 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ऑयल वो ठीक है। आप सारी जानकारी करें कंपनी के बारे में कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह आप उनसे कंपनी से मांग सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। बाकी आप कंपनी के बारे में गूगल पे भी सर्च करें, प्रॉपर यूट्यूब वगैरह पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक बिजनेस स्टार्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। अब मैंने कहा था कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब इसी 1 लाख से आपको बिजनेस करना है, और इसी में से आपको कुछ पैसे अपने पास बचा के भी रखने हैं। तो आप कैसे ऑर्डर लगाएंगे किसी कंपनी के साथ, छोटी कंपनी है तो ऑफकोर्स छोटा ही ऑर्डर होगा। तो आप शुरू में एकदम से पैसा मत इन्वेस्ट करिए। तो मान लीजिए आपके पास, आपने 50,000 रुपए रखा स्पेयर में, और 50,000 आप इसलिए स्पेयर में रखेंगे क्योंकि आपको मार्केट में जब आप एक बार माल मंगाएंगे तो आपको दोबारा माल की जरूरत पड़ेगी वहां से मंगाने के लिए। तो आप 50,000 में आपने
900 ml के 5 बॉक्स मंगा लिए और 1 लीटर के आपने 5 बॉक्स मंगा लिए, ठीक है, ये टोटल हो गए 10 बॉक्स। तो 10 बॉक्स जो भी इसका अमाउंट बनेगा, या मान लीजिए थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं, या आपने 800 ml स्कूटर के भी आपने 5 बॉक्स मंगा लिए, तो इतना ये 50,000 रुपए का हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये माल आएगा तो सीधी सी बात है जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपको वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पक्के पे आएगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने आधार कार्ड पे भी मंगा सकते हैं। अब आपने ये 50,000 रुपए का माल मंगाया और इसमें से आपने दूसरे दिन मार्केट खुद से शुरू किया, अगर आपके पास लड़का नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपका अल्टीमेटली अपना काम है, आगे बढ़ना है तो आप खुद ही, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद मार्केट करें, फिर बाद में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको लड़के मिलते रहेंगे। अब आपने 50,000 में से 40,000 रुपए का मार्केट में माल दे दिया, ये आपने मार्केट में दे दिया। अब आपका कलेक्शन दे आया तो आप सबके यहाँ कैसे कैसे प्रोडक्ट देंगे। अब आपको इसी 50,000 में मान लीजिए आपके पास कितना हो गया, एक में 20 बॉक्स आता है तो 100, और आपके पास 150 यूनिट हो गई, तो 150 यूनिट को आपने कम से कम 40 शॉप पे तो देना ही है, ठीक है, 40 शॉप पे आप दीजिए, 40 नहीं तो आप 30 शॉप पे दीजिए इसको। अब देना कैसे है वो मैं बताता हूं आपको यहां पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी आप डीलर बनाए उनको आप 2 × 900 ml, 2 × 1 लीटर और 1 × 1 800 ml, ठीक है। तो आप ऐसे करके हर दुकानदार या जो भी डीलर है उसको पांच पांच आप दीजिए, 5-5 डब्बे आप दीजिए, और उनको बोलिए कि इसको आप चलाएं और चेक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोबारा मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। आपका टारगेट जो होना चाहिए एक दिन में कम से कम 15 काउंटर का होना चाहिए, और अगर आप 15 नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 10 काउंटर तो आप विजिट करें। अगर 10 काउंटर पे आप विजिट करें तो कम से कम आपके कुछ नहीं तो आपको 5 काउंटर मिल जाएंगे जो कि आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार होंगे। अब छोटे बड़े इंक्लूडिंग सब करिए, बड़ा काउंटर बड़ा डीलर आपको छोटे प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो वो एंटरटेन नहीं करेगा। इस टॉपिक पे भी मैं जल्दी आपको एक वीडियो बताऊंगा कि आप बड़े जो शॉपकीपर होते हैं बड़े डीलर होते हैं उनको कैसे आप टारगेट करें, तो उनको ट्रेडिंग से ही आप टारगेट कर सकते हैं। तो आपने जब 10 काउंटर विजिट किए आपको 5 काउंटर मिल गए, अब आप एक दिन डिसाइड करिए कि आपने एक एरिया एक्स वाई जेड, मान लीजिए ये एरिया है एक्स वाई जेड, ये 3 एरिया आप कर रहे हैं एक्स वाई जेड। अब आप एक्स में एक्स के एरिया में गए, वहां पे आपने 50 यूनिट दिए, यहां पे भी आपने 50 दिए और यहां पे भी आपने 50 यूनिट दिए, ठीक है, तीनों एरिया में। अब आप यहां पे कलेक्शन कैसे करेंगे, तो कलेक्शन का दिन आप यहां पे उन लोगों को बोलिए कि यहां मैं संडे को आऊंगा, यहां मंडे और यहां ट्यूसडे, ठीक है। तो आपका जब संडे टर्न आएगा तो आप संडे को मार्केट में एक्स मार्केट में गए, वहां से आपने मान लीजिए आपके 5 काउंटर हैं तो 5 काउंटर पे आपने जो भी माल लगाया, मान लीजिए 4,000 रुपए का एक काउंटर पे माल लगाया तो आपने उसने आपको 1,000 रुपए दिया। ऐसे ही यहाँ पे भी हम मान लेते हैं यहाँ पे आपको 500 रुपए दिए, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी मान लेते हैं कि इसने मुझे 1,500 रुपए दिए, ठीक है। तो हमारे टोटल हो गए 2,500 और यहाँ पे हो गए 3,000 रुपए फिलहाल। तो आपने जब एक मार्केट को विजिट किया तो आपके पास 1,000 रुपए 4 काउंटर से आए तो आपके पास 4,000 रुपए हो गए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, ऐसे यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, तो 6,000 रुपए तो यहाँ पे हो गए और यहाँ पे हो गए आपके 2,000 रुपए, तो यहाँ हो गए 6, 4, 10 और 2, टोटल हो गया 12,000 रुपए आपका कलेक्शन हुआ। यानी आपका जो आपने माल दिया है लगभग लगभग उसका जो है 30% अमाउंट है वो आपके पास आ गया है।
अब मार्केट में आपका कुछ पैसा फंस के चलेगा, लुब्रिकेंट बिजनेस है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें रहेगा। आप ये मत सोचिए कि पैसा नहीं फंसेगा, पैसा हमेशा फंस के चलता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट और मार्जिन रहता है। जो मिड रेंज की कंपनी होती है, थोड़ा बहुत आपका प्रॉफिट मार्जिन मान लेते हैं हम 15% का, 15% सारा खर्चा काट के। अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखें तो 15% एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जितना कैपिटल लगाएंगे, अगर 15% भी उसका आप कमाते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट हो जाता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके मार्केट शुरू करिएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि सर जो है बड़ी शॉप को कैसे टारगेट करें, बड़ा डीलर हम कैसे पकड़ें सो दैट हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिकें। अच्छा, बड़ा डीलर लोग क्यों टारगेट करना चाहते हैं कि बड़ा डीलर जो होगा वो एक बार में बल्क में माल ले लेता है। बल्क मतलब होता है कि उसने इकट्ठे आपसे 20 बॉक्स ले लिए। लेकिन बड़े डीलर को आपको अच्छा रेट देना होगा। मान लीजिए कि आपने एक डीलर को 2 बॉक्स दिए और वहां से आपने ₹25 पर यूनिट प्रॉफिट लिया, यानी कि 2 बॉक्स में हो गए 40 यूनिट और यहां से ₹25 पर यूनिट आपने उससे प्रॉफिट लिया। ठीक है, अब ये तो आपका प्रॉफिट यहां ₹25 आया, लेकिन आपने जब बड़ा डीलर टारगेट किया तो उससे ₹10 प्रॉफिट लिया, या ₹10 मान लें या ₹5 मान लें, लेकिन आपने उसको कितने दिए, 20 बॉक्स। अब आपने यहां पे देखे तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है, आपने रेट जरूर कम करके दिया है लेकिन आपका प्रॉफिट ज्यादा है और साथ ही साथ आपकी सेल भी निकल रही है। तो इसको बोलते हैं हम कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी बिजनेस होता है। और यहां बोलते हैं हम इसको क्रेडिट, क्रेडिट बिजनेस। तो आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कैश एंड कैरी में बिजनेस करना है या आपको क्रेडिट पे करना है। फायदा दोनों में है। यहां पे आपको 14 दिन की क्रेडिट देनी पड़ेगी और यहां पे आपका पैसा कैश एंड कैरी हो जाता है। कुछ केसेस में कैश एंड कैरी नहीं होता, क्योंकि जब कस्टमर आप रेगुलर विजिट करते हैं कस्टमर के पास, तो वो क्या करता है कि आपके टर्म्स उसके साथ बन जाते हैं, तो वो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आप खुद ही देते हैं या वो मांगने लगता है, तो कैश एंड कैरी में भी उधार हो जाता है। लेकिन आप उसको बोल दीजिए कि भाई मैंने आपको कट रेट में माल दिया है तो आप मेरा पैसा जो है 14 दिन के अंदर दे दीजिए। अब यहाँ 14 दिन के अंदर मिलना शायद मुश्किल हो जाता है, आप 14 दिन का बोलते हैं लेकिन लोग एक एक महीने का क्रेडिट आप पे कर देते हैं। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मार्केट में पैसा फंसाने की, पैसा फंसेगा तो आपका प्रॉफिट आएगा, ये कंफर्म होता है। अब कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ बहुत अच्छे कस्टमर हैं, मान लीजिए आपके पास 5 कस्टमर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छा पेमेंट देते हैं। मान लीजिए आपने उनपे ₹20,000 लगाए, ₹20,000 का माल लगाया और उन्होंने 4 हफ्ते में आपके ₹20,000 दे दिए, यानी कि एक हफ्ते में उन्होंने आपको ₹5,000 दिए। तो जैसे ही आप देख लें कि इस पे ₹5,000 रह गए हैं, आप उसको फिर से ₹20,000 का माल दे दीजिए। जैसे ही आप ₹20,000 का माल देंगे तो यहाँ पे जो आपका 5,000 रह रहा था, एक्सेस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब आप 20,000 का देंगे तो वो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 जब हो जाएगा तो आपको ₹5,000 दे देगा वो, और उसके पास ₹20,000 का ही माल रह जाएगा। तो अच्छे कस्टमर पे हमेशा आप जो है अपना माल उसको हमेशा लगा के चलिए। मतलब अच्छे कस्टमर पे क्या है, आपको ढीले नहीं पड़ने हैं। ये मत सोचिए कि ये 5,000 मेरा दे दे तभी मैं इसको 15,000 का माल दूंगा, जरूरी नहीं है ऐसा होता है। अभी अगर मैं आपको अपना मोबाइल डेटा शो करूं तो मेरा एक एक कस्टमर पे 1-1 लाख रुपए का माल लगाता हूं। उसका रीजन क्या है कि मुझे पता है कि ये कस्टमर जो है पैसे देगा मुझे और अच्छा पेमेंट देगा, क्योंकि वो कस्टमर मुझे 15,000 पर वीक भी देते हैं, 20,000 भी देते हैं। ठीक है,
तो ये ऐसे अचीव नहीं होगा, इसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको मार्केट में। अच्छा होता क्या है, बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पर अपने पास टाइम की बहुत कमी रहती है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग भी देख के कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूँ। तो ऐसे करके आप बिजनेस स्टार्ट करें। अब मान लीजिए आपके पास एक हफ्ते में 50,000 रुपए कलेक्शन का आया, ठीक है, कलेक्शन का आ गया। अब इसमें आपके 2,000 रुपए पेट्रोल के खर्चा हो गया, और आप मान के चलें 1,000 रुपए फूड एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो आपके 3,000 रुपए इसमें से, 50,000 में से 3,000 निकल गए, आपके पास जो अमाउंट बचा वो 47,000 रुपीज बचा। 47,000 में आपका, मैं प्रॉफिट मान लेता हूं कि आपका 5,000 रुपये प्रॉफिट है हुआ है, यानी कि आपके पास जो है 42,000 रुपीज आपका कैपिटल था पहले वाला, ठीक है, आपका कैपिटल था पहले वाला, यहाँ पे 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम इसको भी मान लें तो 5×3 8,000 में मान लेता हूं, ठीक है, 8,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ था। तो अब क्या करना है कि आपने अपना खर्चा सारा निकाल ही लिया, लेकिन आपके पास जो सब खर्चा निकाल के 5,000 रुपए, जिसको बोलेंगे हम प्योर प्रॉफिट, वो बचा आपके पास। तो अब आप 42,000 रुपए ये और 5,000 रुपए ये 47,000 रुपीज आप वापस उसी कंपनी के अकाउंट में डाल दें और एक ऑर्डर लगा दें, क्योंकि मार्केट में तो आपको वही चलने लगा है। तो आप ऑर्डर अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में भी प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी 50,000 यहाँ पे आपका स्पेयर वाला जो पैसा था वो आपके पास अभी भी है। तो धीरे धीरे करके आप बिजनेस को बढ़ाएं। अब आपको मान लीजिए आपने यहाँ पे 50,000 रुपये वो रखा था और 47,000 आपके पास ये हो गया, अगर आपने खर्चा भी निकाल लिया उसमें से। अब आप उसमें से कुछ प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट जैसे बढ़ा लीजिए कार लाइन के प्रोडक्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है, ट्रैक्टर लाइन के प्रोडक्ट बढ़ाइए। ट्रैक्टर लाइन में सबसे ज्यादा जो सेल होता है 7.5 लीटर, 7.5 लीटर, 8.5 लीटर और 10 लीटर। अब इसमें कई तरीके के ग्रेड आते हैं, जैसे 7.5, 8.5 और 10 लीटर में कई तरीके के ग्रेड आते हैं। तो 20W40, CF4, 20W40, CH4, यहां पे करते हैं 15W40, CH4, 15W40, CI4, ठीक है, ये ट्रैक्टर के ग्रेड होते हैं। तो CI4 क्या होता है, सबसे कॉस्टली ग्रेड होता है, ये ज्यादातर मार्केट में कम डिमांड रहती है, लेकिन जो मार्केट में डिमांड रहती है वो CH4 की और CF4 की। CF4 एंड CH4 ये दो जो ग्रेड्स हैं ये ट्रैक्टर लाइन में बहुत सेल होते हैं। तो CF4 सस्ता होता है, CH4 थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और CI4 यहाँ पे कर देते हैं CI4+, 15W40 CI4+, ये सबसे ज्यादा कॉस्टली ग्रेड हो जाता है, तो इसको लोग जनरली अवॉइड करते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो आप जब भी प्रोडक्ट ट्रैक्टर लाइन में घुसे तो आप CF4 और CH4, अब इसमें यहाँ पे 15W40 जो है आता है, CH4 भी आता है, CI4 भी आता है और CF4 भी आता है, तो ये सारे ग्रेड हो गए। तो ऐसे करके आप जो है ट्रैक्टर लाइन में याद रखिए 7.5 लीटर, 8.5 लीटर और 10 लीटर, ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। और जो पुराने कुछ ट्रैक्टर होते हैं उसमें 6 लीटर ऑयल भी जाता है। तो इनकी कम से कम मिनिमम क्वांटिटी आपके पास 5×5×5, या आप अगर सारे ग्रेड मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं तो आप 2×2 के रेशियो में आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। तो क्या है, आपको, आप कस्टमर को सारी चीजें दिखा सकते हैं कि भाई इस रेंज में हमारा ये प्रोडक्ट है और सस्ते में भी है। तो ट्रैक्टर लाइन में अच्छा प्रॉफिट होता है, ट्रैक्टर लाइन में आप पकड़ सकते हैं। कार लाइन में मैं आपको समझाता हूं, यहाँ 5W30 ये ग्रेड होता है एक, ठीक है, इसमें 3.5 लीटर आता है, 3 लीटर,
अब आता है 20W50, ये 3 लीटर आता है, ठीक है। और 0W40, ये जो है ज्यादातर जहां पे ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं वहां पे ये ग्रेड यूज होता है, तो ये भी 3 और 3.5 लीटर में आता है, ठीक है। कुछ गाड़ियां हैं जिनमें सेम 5 लीटर भी आता है, जैसे डीजल इंजन ऑयल जो होता है, डीजल इंजन ऑयल में 5 लीटर जाता है या 3.5-4 ऐसे जाता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग अपना ऑयल का गेज देती है। तो ऑयल का जो डीजल इंजन ऑयल का ग्रेड होता है वो 15W40 होता है, ये 15-40 उस पर लिखा रहता है डीजल इंजन ऑयल। और हालांकि आजकल क्या हो गया है कि जो कार के जो प्रोडक्ट आते हैं उन उसके ऊपर लिखा रहता है कि सूटेबल फॉर पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी एंड डीजल इंजन ऑयल। तो अब सब कॉमन हो गया है, एक ही ऑयल सारी गाड़ियों में चला जाता है, चाहे वो डीजल की हो, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे सीएनजी की हो, किसी की भी हो, एक ही ऑयल सब में चला जाता है। तो अब ये भी लगभग लगभग जो इश्यू था, प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो गई है। तो ऐसे करके आप बिजनेस को स्टार्ट करें। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो बताऊंगा कि आपने यहाँ पे 1 लाख से शुरू किया बिजनेस, अब आपको इसको बड़ा कैसे करना है, 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक कैसे ले जाना है, तो उसका प्रोसेस मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो 27-28 मिनट की होगी, लगभग 30 मिनट की, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, नीचे एड्रेस आ रहा होगा। और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।